क्या है सारे भाइयों के वेलकम बैक टू द चैनल। सामने आप लोग देख सकते हो भाई बीस्ट खड़ा हुआ है अपने साथ, लोडेड हो रखे 24 इंच चलो इसे। जिसको नहीं पता भाई, हम निकालते थे इस हफ्ते थार की सीरीज, चार वीडियो आनी थी इसकी, तो ऑलमोस्ट हमारी दो वीडियो शूट हो चुकी हैं, अब करने जा रहे हैं तीसरी जो कि आप लोग देख रहे हो। तो भाई इसमें मैं अपना शेयर करने वाला हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो कि अभी तक महिंद्रा थार के साथ मेरा कैसा रहता है, वो भी इतने बड़े देख लो भाई साइड में से आप लोग देख सकते हो, 22 इंच के इसमें लोड रखे हैं। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस अपना दिखाते हैं हम गाड़ी के साथ। अब रणवीर भाई हमारे साथ हैं, इसके ओनर। रणवीर भाई कैमरा संभालो और हम दिखाते हैं भाई इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। भाई ने जेल ब्लैक कर रखे तो थोड़ा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनों को। तो सबसे पहले रणवीर भाई आप बता दो इसमें अपनी कार में हल्की सी मतलब कोई प्रॉब्लम टायर में जो इशू आ रहा हो अभी? इशू तो वैसे तो कोई नहीं आ रहा अभी, कोई भी बस वो फेंडर वाली हाई स्पीड में थोड़ा तो चल नहीं, वैसे इशू नहीं। हाँ मतलब अलाइनमेंट अलाइनमेंट आउट है इसकी अभी थोड़ा, तो हाई स्पीड में थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ेगी। सीट बेल्ट सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं कार की। और वैसे तो नॉर्मल महिंद्रा थार है, अंदर से भी मतलब ये सब हो रखा है वो हमने उसमें बताया। अपनी कौन सी मॉडल है ये थार की? पेट्रोल डीजल? पेट्रोल है 2021। हमने ऑटोमेटिक दिखा दो नीचे। और अब गाड़ी हम करते हैं स्टार्ट। 20 पे अपनी गाड़ी आ चुकी है। मतलब पिकअप कैसा मिल जाता है पेट्रोल में सबसे पहले? पिकअप अमेजिंग। एक बार सामने पुश करके देखते हैं, हार्ड पुश करा मैंने, बैक गियर मार दिया। 4,500 RPM पे अभी मैंने रेस छोड़ी है, तब उसने गियर चेंज करा है। एक बार थोड़े खाली स्ट्रेच मिलता तो ओवर वो करके देखेंगे। ब्रेकिंग में थोड़ा फर्क पड़ा है आपके हिसाब से? हाँ थोड़ा सा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये ओनर से पूछे, ये सुनसान एरिया में कैसे इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है जहाँ पे कोई गाड़ी आती जाती नहीं है, सुनसान एरिया है, और इनको कोई इतनी हिम्मत कहाँ से दे रहा है? भाई हिम्मत अब तो गाड़ी की परवाह ही नहीं है भाई। क्यों भाई? देखो यार चिंता की क्या बात है भाई, जब अर्थ ट्रैक हमारे साथ है भाई। ये है एक पोर्टेबल GPS, पोर्टेबल तो आपको दिख रहा होगा कितना छोटा डिब्बा है, उसके साथ है भाई मैग्नेटिक GPS भी है। चिपक गया भाई, अभी विश्वास नहीं हुआ, आ जाओ मेरे साथ। और भाई चोर गाड़ी भी कहाँ से ले जाएगा जब उसे पता ही नहीं होगा GPS का, देख लो आ जाओ तुम्हारे वहम मिटा दे हम आज। ये देखो भाई ये अपना GPS, ठीक है, कहीं भी चुरा लगा दिया भाई। अब चोर क्या सोचेगा भाई, वो तो सीधा चढ़ेगा गाड़ी ले जाएगा, उसके बाद तुम्हारे भाई कैसे वो करेगा भाई? TB ट्रैक करके इनका ऐप आता है, वो इंस्टॉल करो जाके अपनी GPS का, वो सब डालो भाई। साथ में मिलेगा आपको Airtel का इसके डब्बे में सिम, डब्बा भी देख लो कितना भाई तगड़ा सा दिया है। ये डब्बे के अंदर भाई आपको मिलेगा सिम, Airtel का सिम मिलेगा। एक और फीचर बताओ, आप सुन के हैरान हो जाओगे, बताओ क्या फीचर? इसमें जब आप Airtel का सिम इंस्टॉल करोगे उसके बाद कुछ ऐसा होगा भाई कि जब वो लोग गाड़ी में बात कर रहे होंगे आप उनकी बातें सुन तक सकते हो, मतलब आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। ऊपर से भाई आप लोग डायरेक्ट ऐप पे पूरी हिस्ट्री जान सकते हो आपकी गाड़ी किस दिन कितनी तेज कैसे चली। तो भाई ये अपना भगवान है जो कि भाई आज तक हमारी गाड़ी बचा रहा है। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा ये वाला डिवाइस खरीदो, देख सकते हो आप कितना पोर्टेबल है। गगन भाई आप अभी ऑर्डर करोगे और साथ भैया को भी बताओ, भैया भी ऑर्डर करो, आप लोग गाड़ियां बहुत ज्यादा है। ऊपर से भाई साहब नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, किसी को भी मंगवाना हो तो भाई को डायरेक्ट फोन कर सकता है, भाई आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। अरुण भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, अभी ऑर्डर करते हैं हम, अभी ऑर्डर करते हैं भाई। बेकिंग थोड़ी सिल्की हो जाती है वो, तो यार आप 20 इंच की भी डलवाते हैं 18 भी डलवाते हैं तब भी होनी ही नहीं। अलॉय से थोड़ा ब्रेक पे ना असर पड़ जाता है, और जब आप लोग इसको मार्केट में चलाते हो देखना तो अच्छा खासा पड़ता है, बड़ा ध्यान से, क्योंकि फिर ऑटो वाले हद से ज्यादा नहीं छोड़े हुए पड़े हैं। तो भाई बेसिकली बात करते हैं, अभी तक तो गाड़ी वैसे कोई खड्डे खुड्डे है नहीं, खड्डे पे भी हमने चला के देखे, तो आप जब लास्ट वीडियो देखोगे हम ऑफरोडिंग करके आए अपनी गाड़ी के साथ उस लेवल की नहीं पर करके आए, तो भाई जाके देखो लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा वो वाली वीडियो भी। अब एक बार पुश करते हैं गाड़ी को, कोई खड्डा नहीं है भाई, उसकी चढ़ते हुए पता ही नहीं लगा। एक बार मैं वो करता हूँ तो देखो हैंडल थोड़ा वो भाई कह रहे हैं अलाइनमेंट आउट है, तो उस चक्कर में थोड़ा हैंडल अपना ज्यादा कांप रहा है, ऐसे तो और कोई दिक्कत है नहीं। बाकी यहाँ पे ब्रेकर आ गए हैं तो ब्रेकर में थोड़ा हमारा ज्यादा भाई ब्रेकर में बढ़ जाते हैं भाई, हैंडल घूमता है ना ज्यादा। जब नॉर्मल टायर से तब आप इन ब्रेकर से निकालते थे तब पता लगता है इतना ज्यादा जितना लगता है। एक और था थार पर वो बंदा भी देख के जा रहा है भाई, जाट है। और पब्लिक रिएक्शन जो हमने को इस कार में मिल रहे हैं उस समय, बाकी बंदर कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे। एक बार फिर से ब्रेकर आए हैं, इस बार हम स्लो निकालेंगे गाड़ी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा कि कैसे वो देखिए हमने थार अभी उड़ा के गए और हम बेचारे थोड़ी धीरे निकालनी पड़ेगी अपनों को, क्योंकि हमने डलवा रखे हैं 22 इंच के लोए। तेज निकाल सकते हैं भाई, कह रहे तेज निकाल सकते हो, एक बार पुश करके देखते हैं गाड़ी को, 100 तक स्ट्रेच करने को करते हैं भाई। ऑटोमेटिक बहुत प्यारा है यार इसका, पेट्रोल का पेट्रोल बहुत स्मूथ है। बाकी जब हाँ ये बात आई हमारी शो पे, तो हमें हैंडल बहुत ज्यादा टाइट पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ ये पत्थर
क्योंकि जो भाई हमारा क्या कहते हैं, फिर बैक मार भाई सब बहुत प्यारा ऑटोमेटिक है इसका तो, मेरे भाई बहुत प्यारा ऑटोमेटिक लग रहा है इसका तो यार। डीजल का इतना कामयाब नहीं है ना, ना डीजल थोड़ी भारी चलती है, भारी चलती है ये तो बहुत प्यारी चल रही है। पेट्रोल और पिकअप का भी बात करें तो पिकअप भी बहुत अच्छा देता है। नवीन भाई आपने टॉप स्पीड कितनी निकाली अभी तक अपनी थार से? इन टायर से 130 और स्टॉक से? स्टॉक से 140 मतलब 140 भाई ने चलाई है इसी सड़क पे, तो बढ़िया है भाई। बाकी अब इतना ऐसे तो नहीं है कि रोड नॉइस, मैंने सोचा था बहुत ज्यादा होगी पर इतनी तो नहीं बड़ी ना, ना रोड नॉइस। बाकी इसके वो यूज करते हो मैनुअल यूज करते हो या? ना मैनुअल फायदा ही नहीं है, मजा भी नहीं आता चलाने का, वो ऑटोमेटिकली डाउन शिफ्ट हो जाती है मैनुअल में, मैनुअल में भी हो जाती है। बाकी भाई बता रहा था जैसे हमने जो डीजल वाली में हमने साइड में से वो निकालनी होती है गाड़ी अपनी किसी भी, उसके ओवरटेक करना होता है उसमें, मतलब थोड़ी ज्यादा वो लगती है, ये आराम से निकल जाती है। मतलब पिकअप का इसमें भाई कहते हैं डीजल ऑटोमेटिक थोड़ी सी हैवी चलती है, पर डीजल मैनुअल बहुत प्यारी है, मैनुअल प्यारी है और अपनी पेट्रोल में ऑटोमेटिक बहुत अच्छी है, जो कि हमारी एवरेज टाइम किस दे रही है 7 के आसपास, 7 की। बाकी हमने टायर डलवाई थी फिर भी इसका टीपीएम गाड़ी का थोड़ा गड़बड़ था, 7 की एवरेज आप लोग देख सकते हो। बाकी मेरे को यार नॉर्मली चलते हुए तो लग नहीं रहा कि बहुत छोटे टायर लगवा रखे साइड में, पर एक चीज है गाड़ी ऊंची बहुत हो गई यार अपनी, है ना ऊंची है बहुत ज्यादा हो गई है, फॉर्च्यूनर से ऊंची बैटरी है और स्टॉक में इतना नहीं पता लगता था। एक बार कैसा लगता है यार डलवाने के बाद टायर, मतलब खुश हो या एक बार से रिग्रेट लग रहा है? ना ना रिग्रेट किस चीज का, रिग्रेट नहीं है भाई, हम इतनी रील बनाने में मजा आता होगा। अब यहाँ से हम करेंगे ओवरटेक, हैंडलिंग में तो इतना कोई फर्क नहीं आया वैसे यार, बस वही है अलाइनमेंट वाली है, अलाइनमेंट आउट है, थोड़ी सी आउट है, ज्यादा थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी आउट है, पर ये है हमारा यार गाड़ी में थोड़ी वाइब्रेशन, मतलब हैंडल में वाइब्रेशन बढ़ गई है, वो थार में वैसे भी है, वैसे भी है, पर एक बार अलाइनमेंट हो जाएगी और बेटर हो जाएगी और उसके बाद पता लगेगा कि कितना फर्क पड़ता है। पर भाई ऐसा तो आपको नहीं लग रहा ना एक बार भी की गलती कर दी यार अलॉय डलवा के, कितने बड़े अलॉय डलवाने चाहिए थे या कुछ? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, मुड़ रही है मतलब गाड़ी। ये देखो ये मेरा हाथ आप दिखा सकते हो, थोड़ा सा हमें कंपनी देखो ऐसे थोड़ा कांपने लग गया है, वो जब हमारी अलाइनमेंट हो जाएगी तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। बाकी 100 तक हम जब गए थे तो भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा लगाने में, मतलब ये कहना चाह रहे हो आप भी? कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा थोड़ा, क्योंकि फिर अलाइनमेंट आउट है, थोड़ा डर लगता है वॉबल करते हैं यार स्टीयरिंग। हमारा आरपीएम चेंज होगा 4000 पे, सामने सारी गाड़ी सड़क भी छोड़ी हो रही है हल्द्वानी वाली जैसे, इसको नहीं पता यार, वैसे तो सही है यार, बस सिर्फ एक हैंडल की प्रॉब्लम लगी मेरे को अभी तक गाड़ी में के अंदर, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये क्या था लंगूर एकदम से भाई सामने से आया लंगूर, और भाई साइड में इतने प्यारे लगते हैं ना कसम से टायर चलते हुए, वो वीडियो बन इंस्टाग्राम के लिए है बेसिकली, ये गाड़ी हमें इंस्टाग्राम की गाड़ी बची है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह डालने के लिए काफी प्यारी हो गई ये गाड़ी। एक बार भाई देना तो भाई मैं खुद आज पर्सनली इस हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ और इतना मजा आ रहा है ना मेरे को कसम से, चाहे हैंडल थोड़ा भाग रहा है साइड में पर भाई वो इतना फील नहीं हो रहा, क्योंकि गाड़ी यार बनी इसी चीज के लिए, ये साइड मतलब वो ये रो फील देने के लिए ही बनी है ये वाली गाड़ी, और जब लोग देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कुछ अलाइनमेंट आउट नहीं है भाई, इतना प्यारा पब्लिक रिएक्शन मिल रहा है ना कोई कहने की बात नहीं है। मुड़ मुड़ के मतलब बाइक वाले लोग देख जा रहे हैं एकदम से, देखो अभी बैक शिफ्ट मारा इसका गियर, ये गया 4000 आरपीएम पे फिर हो गया चेंज। बस ये रणवीर भाई बात करो तो उस लेवल का ना, जैसे अभी एक हाथ से चलाने में भी वो वाला कॉन्फिडेंस ही आ रहा था, एक हाथ से कॉन्फिडेंस नहीं है कार में, नहीं है दोनों हाथ मस्ट ही है थार में आप चला रहे हो, स्टॉक टायर के साथ एक हाथ में चला लो इट्स फाइन बट इसमें नहीं। बाकी एवरेज में कोई फर्क पड़ा है गाड़ी में जब से आया? बिल्कुल नहीं, ना आप आराम से चलाओगे 7 के ऊपर भी जाएगी एवरेज, 8-9 भी चली जाती है, हाँ 10 तो नहीं निकालती होगी, मतलब 10 तो नहीं वैसे भी नहीं निकालती पेट्रोल। बाकी एक टाइम पर रिग्रेट होता है कि हाँ यार डीजल लेनी चाहिए थी पेट्रोल, गलती कर दी लेके, पहले लगता था पर अब इन टायर के साथ इस एवरेज में इट्स गुड गुड, हाँ क्योंकि डीजल इस यहाँ इतने में दे रही है, ये सेटिस्फाइड हो गाड़ी के साथ या नहीं हो? बहुत ज्यादा अच्छी लगती है अभी भी, मतलब हाँ जी अच्छी तो लगेगी यार इसका, अच्छा है यार ऑटोमेटिक, मतलब ऐसे हमें बहुत ज्यादा फील नहीं कराता गियर बदलते हुए ना, कई गाड़ियों का होता है बहुत ज्यादा फील कराता है, उठने में टाइम लेते हैं, हाँ, उठने में टाइम नहीं है, उठने में टाइम लेती है, बहुत प्यार से ही निकल जाती है। बाकी अगर मार्केट वगैरह में आप लोग चलोगे तो भाई आप लोगों को साइड बहुत ज्यादा देख के चलानी पड़ेगी, क्योंकि और ये देखो वो भी भाई दूर से निकलते हैं लोग तो, कि पास जाके कोई फायदा नहीं, क्या पता कब अभी जैसे अभी तक कहीं भिड़ी है ऐसे कि
बाइक वालों को दिक्कत हुई मार्केट में? कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुआ। महीना ही हुआ अभी लगवाए हुए? एक महीना भी नहीं हुआ। महीना भी नहीं हुआ। हमने बनाने में की वीडियो बनाई थी तो आप लोग जाकर देख सकते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ये वही थोड़ा हैंडल यार वो एकदम से कांप रहा है, जब जैसे हल्का सा भी अगर खड्डे में जाती है गाड़ी तो दिल पे चोट लगती होगी। रणवीर भाई लगती है वैसे? ऑफ कोर्स ही बात लगती है। थोड़े बड़े ब्रेकर आ गए। हॉर्न बड़े डलवा रखे हैं। हां जी हॉर्न में चेंज करा रखे हैं क्या? हॉर्न 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 हां रूट्स के लगे हैं। एक बार चेंज करके देखते हैं भाई साहब। अगर ये 4,500 पे भी वो कर रही थी मैंने, ये देखो एकदम से मार गई। मतलब थार का यार पिकअप सही है यार, पेट्रोल का मुझे जितना कम लगता था उतना ही बढ़िया है। देखो आप सजेस्ट करो किस स्पीड तक ये गाड़ी बेस्ट है। 80 तक तो बहुत अच्छी चल रही है। 80 तक ही है सही है इन रिम के साथ। बाकी आपने कभी हाईवे पे अभी ट्रेवल करा नहीं होगा ना ये लगवाने के बाद? ना इन रिम के साथ नहीं ट्रेवल करा। बाकी जब भाई करेंगे तब भाई बता देंगे अपना एक्सपीरियंस, मिलते ही रहेंगे। अब तो आज मिल रहे फिलहाल पर देखनी पड़ रही है भाई साइड में कितना गैप बच रहा है कितना नहीं बच रहा, क्योंकि भाई बहुत चौड़े टायर हैं। आप एक बार फिर से दिखाओ शीशे में भाई, जो जो भूल गए हैं उन्हें दिखाओ कि हमारी गाड़ी के टायर कितने ज्यादा चौड़े हैं भाई। थोड़ा दूर भाई इस पे वो स्टिकर लगवा लो, बी अवे फ्रॉम मी आई एम वाइल्ड। तो भाई कितने मिनट की होगी वीडियो? ये हो गई 10 मिनट की। ये देखो भाई अब हल्का समझे साइड में, तो एक बार आप हैंडल देख सकते कैसे ये वाइब्रेट होगा। नॉर्मल गाड़ी का नहीं होता ना, और पहले वैसे भी नॉर्मल स्ट्रोक टायर में भी होता ही है ना इतना, तो ये तो बहुत नेग्लिजिबल। एक बार देखो आप लोग थार का पिकअप आरपीएम कैसे घूमता है भाई इसका। बॉडी रोल पहले से कम हो गया भाई बता रहे थे गाड़ी का, जब से ये टायर डलवाए हैं तो थोड़ी स्टेबल हो गई है, क्योंकि चौड़े टायर हो गए ना तो थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इससे। बाकी अगर हम जाते 20 इंच तक किसी और उसमें तो और खराब हो जाते वो। बाकी ऐसे रास्ते में जब आप लोग खड़े होते हो छोटे से तो भाई डर लगता है, साइडें बहुत ढंग से देखनी पड़ती हैं दूसरी गाड़ियों के साथ साथ। ये जब ऐसे निकलती है चिपक के तो वो बंदा ही डर जाता होगा सामने देख के भाई। हाँ ये इन्हें ज्यादा ओ वो अंकल पहली गाली दे रहे हो भाई वाले को। ट्रैक्टर वाले ने साइड दे दी, कहले पहले तू निकल।